खेल की बात करते हो, मैं तुम्हें एक बच्चा तक नहीं दूंगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं आपका फल खाने। रोक रहे, रोक लो चाचा जी, रोक लो। हाँ। अरे गलत खेल बनी है, तो बाजी पड़ी है। अरे कब से बांध लिया तलवार, के न जाने छे बिरजा सर की, अब जिनकी नाल कर रखा यो खाए। सुन लो चरो चाहो बदे मसवा की, ये नहीं है कि बुढ़ापे में मैं शस्त्र उठाना छोड़ दिया तो गोली चलाना भी भूल गया मैं। अच्छा अच्छा, टॉर्चर नहीं कीजिए भैया, उतना टाइम नहीं है। और मैं एक पत्ता तक नहीं दे सकता हूं। चलो आगे बढ़ो, चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो गया। अगर हिम्मत है बाजुओं में तो इस वृद्धावस्था में भी एक बार पंजे से पंजे मिलाकर देख लो। ठीक है, तो पंजे से पंजा मिला कर देख। चलो एक बार तैयार हो जाओ। चलो जी, झगड़ा आल्हा बीच में आ गया। नहीं करियो पिताजी, क्यों आ गया बीच में, चाहे जासर सिंह मरता या झगड़ो। उनसे एक बार दो दो हाथ मिलकर, और ओ भी मेरे शक्ति को देख लेता, जासर सिंह के शक्ति को। लेकिन पिताजी, ये लड़ाई किस बात की हो रही थी? मुझे भदैया आम का पेड़ जो सिमान पर है, मुझे जेठोस मिला है। मेरा भाई कह दिया था कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप वृक्ष का फल खाइएगा, आपका अधिकार रहेगा। और ये कल का छोकड़ा कराए जोर जबरदस्ती में फल को तोड़ लूंगा। पिताजी, अगर भैया झगड़ू कह रहा है कि मुझे फल चाहिए, तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों पिताजी? आधा फल भैया झगड़ू को दे दीजिए पिताजी, और आधा फल अपना
रख लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारा निर्णय है तो मुझे भगवान कोई चीज की कमी नहीं दिया है। एक पुत्र है, ऊपर वालों से दुआ करता हूं कि एक पुत्र किसी तरह से और हो जाए, जो दो भाई का जोड़ा इस घर सोड़नी में हो जाएगा। जगर सिंह आओ मेरे पास। जगर सिंह भैया चलो, मैं उस वृक्ष का फल आधा आपको दे दूंगा। क्या उस पर आपका भी अधिकार रहेगा, क्योंकि मेरा बेटा आल्हा ने कह दिया। जाओ, सारापति को भेजता हूं, पूरे वृक्ष में जाल लगवा दो और फल पकड़ने के बाद आधा आधा बांट लूंगा। ठीक है चाचा जी, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना बिना ऑर्डर का एक पत्ता न टूटे। ठीक है, एक बार तुम अपने भाई को प्रणाम करो आल्हा। क्यों नहीं पिताजी, दसना आजोरी के करिया पारे ना भैया जी, बहुदीन पर अला भैया जी, गीला सो हरी में खुश रहो। अल्लाह कैसे रहते हो, कैसे पढ़ाई लिखाई? अच्छा रहता हूँ भैया। कैसे स्कूल में जाते, स्कूल जाते हो ना? हाँ भैया। अल्लाह सुन लिया ना चाचा फैसला? हाँ मैंने सुन लिया हूँ भैया, यही फैसला हुआ है कि फल पकने के बाद आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। हाँ। और आधा हिस्सा मैं रख लूंगा भैया, उससे पहले ना तो एक फल मैं तोड़ूंगा और ना एक फल आप तोड़िएगा भैया। याद रखना अल्लाह, एक फल मैं ना तोड़ू फिर तुम मत तोड़ना। ठीक है भैया, नहीं तो अगर बिना ऑर्डर के एक फल टूट गया अल्लाह, तो मेरा नाम है काल झगड़ू, कालों का काल हूँ, काल का महाकाल हूँ, महाकाल नहीं तोड़ेगा भैया। ठीक है, अपना सेनापति के भेजो बगीचा में। ठीक है भैया, मैं भेजता हूँ। पहरा करो बगीचा में आज। ठीक है भैया, मैं अपनी तरफ से सेनापति को भेज देता हूँ पहरा के लिए। ठीक है चलो भेजो सेनापति जी। मालिक, मालिक सेनापति। हाँ मालिक। चलो बगीचा में आम का पहरा करना है तुझे। ठीक है मालिक, जरूर करबे पहरा। करोगे ना? हाँ मालिक। चलो जाल लगाओ आम के पेड़ में। लगा दवा जाल। हाँ जाल लगाओ। आम का फल पहले गिन लो कितना है यार। हाँ गिनने नहीं आता क्या? गिन लो। हाँ गिनती करो। कितना है? 103 को फल चाहिए मैं। 103 फल है। हाँ मालिक। ध्यान रखना। जरूर ध्यान रखना। 103 फल के अगर एक भी फल टूट गया, अगर एक भी पत्ता टूट गया, तो जिंदा मैं चला दूंगा। ठीक है मालिक, जिंदे की चले भा तो ऊपर उड़ा दिया। हाँ ऊपर हाँ। उड़ा देंगे, आम के पेड़ पे बैठ के आम खाती रहना। नहीं आम तो नहीं खेवा, बिना तोरा का ऑर्डर दो तबे आम खेवा मालिक। ठीक है तुम पहरा कर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मालिक जा। मैं जा रहा हूँ थोड़ा नासा चढ़ाने। ठीक है मालिक जा। ठीक है हाँ आ रहा हूँ नासा, तुम पहरा करो। अच्छा ले या जगर हुई है भैया दारू बाटिला आई नासा चढ़ाई तो ये पीरा जगर आरो तरी की कहवा भैया, जब भी करिया मोछ वाला आवे छे ओने से तहलका मचे नहीं आवे छे, हमरो डर भ जाय छे।
चल गला आब लागे छ त आत्मा कंटा शांति मिले आ एको को फल टूट जते न त हमरा चमरी छील के सुखेल दे देते पहरा त करेल पड़ते ए मनसे ए पहरा यो भैया सा कर भैया बीचा के गई तो जी बहुत विलंब हो चुका आपको मैया सा फिर इनाम देने वाले।